अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए। यह है ऑनर 9N का बॉक्स पैक और यहाँ पर MRP प्राइस तो कटा हुआ है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको बॉक्स के ऊपर डिटेल्स में मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, ऑनर 9i के कंपैरिजन में 9N में थोड़ा सा जो स्पेसिफिकेशंस है उसमें फेरबदल किया गया है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जो 9N स्मार्टफोन है इसमें आपको नॉच स्टाइल डिस्प्ले मिलता है। चलिए इसके अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। देख सकते हैं ये है ऑनर 9N स्मार्टफोन, बहुत ही प्रीमियम किस्म का लग रहा है। ग्लास है पीछे की तरफ, देखिए किस तरीके से चमक रहा है। फिलहाल इसे मैं साइड में रख देता हूँ और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें इस हैंडसेट के अलावा क्या क्या मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है सिम ट्रे इजेक्ट पिन और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है क्विक स्टार्ट गाइड, आपको वारंटी कार्ड भी मिलता है और यहाँ पर आपको एक और केस है, ये प्लास्टिक केस है, थोड़ा सा हार्ड है और ये हैंडसेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, अगर आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ये है डेटा केबल, USB 2 माइक्रो USB डेटा केबल और जो अंतिम कंटेंट है वो है ये ट्रैवल चार्जर 5 वोल्ट 2 एम्प का। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बॉक्स के अंदर मिलेगी। ये है ऑनर 9N, इंडिया में लॉन्च हो चुका है, इस प्रकार का दिखता है। पीछे भी ग्लास है, आगे भी ग्लास है और ये थोड़ा सा स्लिपरी भी है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। 2.5D कर्व ग्लास है पीछे भी और आगे भी, इसके कारण ये जो हैंडसेट है आपको एक बहुत ही प्रीमियम सा फील देता है। पीछे ऑनर का लोगो है, ग्लास है, धब्बे लग जाते हैं। अभी जो हैंडसेट है एक्साइटिंग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। पीछे देख सकते हैं 2.5D कर्व ग्लास है, ये देखिए इस प्रकार से, तो एक सिमेट्रिकल लुक आपको मिलता है यहाँ पर आगे भी और पीछे भी। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है इस हैंडसेट की। ऑनर का जो लोगो है वो पीछे भी दिया हुआ है और आगे यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है। हैंडसेट पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल है, लाइट वेट है। ये देखिए ये है सिम ट्रे लेफ्ट हैंड साइड पर, ऊपर है सेकेंडरी माइक्रोफोन और राइट हैंड साइड पर आपको मिलता है पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर। नीचे की तरफ आपको स्पीकर आउट वेंट, माइक्रो USB पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और ऑडियो जैक। डुअल कैमराज है पीछे की तरफ, 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के। फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है और फेस अनलॉक का भी ऑप्शन है। चलिए इसे मैं स्विच ऑन कर देता हूँ और जैसे ही आप इसे स्विच ऑन कर देंगे तो सबसे पहले जो नज़र है आपकी वो नॉच पर जाएगी। ये देखिए इसका जो स्क्रीन है 5.8 इंचेस का है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, 2.5D कर्व ग्लास भी है, कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया है, जो स्क्रीन जो है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो टच रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर कुछ कारणवश आपको नॉच पसंद नहीं है तो आप उसे ऑफ भी कर सकते हैं। ये देखिए ऑफ करने पर ये इस प्रकार का लगता है, तो ये नॉर्मल बिना नॉच वाले फ़ोन की तरह दिखता है, लेकिन नॉच काफ़ी लोगों को पसंद है इसलिए आप उसे इनेबल ही रहने दीजिए। अगर डिस्प्ले सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई कंफर्ट का ऑप्शन है और यहाँ पर एक स्क्रीन रेजोल्यूशन का ऑप्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट FHD प्लस है, अगर आप चाहें तो HD प्लस कर सकते हैं या यहाँ पर एक स्मार्ट रेजोल्यूशन का ऑप्शन है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि कौन सा रेजोल्यूशन रखना है। इससे बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। फिंगरप्रिंट सेंसर है पीछे की तरफ जो फास्ट और एक्यूरेट है, टैप करते ही ये देखिए जो स्क्रीन है अनलॉक हो जाता है और इसमें फेस अनलॉक का भी ऑप्शन है। ये देखिए अब मैं फेस अनलॉक का उपयोग कर रहा हूँ, पावर बटन को प्रेस करते ही ये मेरा फेस को डिटेक्ट कर रहा है, ये फिंगरप्रिंट से थोड़ा सा स्लो है। इस पर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और नॉच के ऊपर कैमरा के साइड में आप देख सकते हैं इन कॉल स्पीकर इस प्रकार से दिया हुआ है। इस हैंडसेट पर क्यूरिन 659 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है और ये देखिए ये है सिम स्लॉट, हाइब्रिड स्लॉट है, मतलब कि आप 2 नैनो सिम या फिर 1 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ये क्यूरिन 659 प्रोसेसर जो है ये वोल्टी सपोर्ट करता है लेकिन एक ही सिम स्लॉट पर काम करेगा रहा है जो एंड्रॉयड ओरियो बेस्ड है।